नमस्कार तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तुला राशि वालों, सबसे पहले यह समय जिन का बर्थडे या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा से आप दिन दुगुनी रात सुगुनी तरक्की करें। तुला राशि वालों, आज दोपहर 3 बजे के बाद अपनी दोनों आंखों से देखोगे भगवान की अजब गजब लीला। जी हां तुला राशि वालों, ऊपर वाले की अब यही मर्जी है। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपकी कामयाबी देखकर दुश्मन जीते जी मर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि तुला राशि वालों, धन की देवी माँ लक्ष्मी जी चले आपकी राशि में, अब आपका उद्धार होने वाला है। तुला राशि वालों, जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से अब आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं, और ये चमत्कार देखने के बाद आपको लगेगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। लेकिन तुला राशि वालों, ये सपना नहीं, ये हकीकत है। जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आज दोपहर ठीक 3 बजे के बाद ग्रहों में बहुत बड़ा उलटफेर होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, भगवान माँ लक्ष्मी जी की कृपा से अब आपका सोया हुआ किस्मत जाग उठेगा, और आपको अपने आने वाले समय में बड़ी बड़ी कामयाबी, बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज दोपहर 3 बजे के बाद ग्रहों की बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है। इस अच्छे स्थिति का लाभ उठाएं और कुछ विशेष बातों को अपने जीवन में लागू करें, जो कि आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज दोपहर 3 बजे के बाद कौन कौन से खुशखबरी आपको मिलने वाले हैं, कौन कौन से बड़े बदलाव आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं। इस समय आपको कौन कौन सी विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा, आपका व्यापार व्यवसाय, नौकरी, कैरियर, बिजनेस, आपके पारिवारिक माहौल, आपके दैनिक दिनचर्या में व अन्य सभी क्षेत्रों में कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहे हैं, आज दोपहर 3 बजे के बाद इसकी चर्चा आज की इस वीडियो में हम करेंगे और विस्तार पूर्वक एक एक जानकारी देंगे। इसलिए दोस्तों, हम आपसे इतना ही अनुरोध करेंगे कि आज की यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और सबसे पहले, जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वही वीडियो को लाइक करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी, जय माँ भवानी, जय माँ अम्बे। उन्हें माता रानी के साथ साथ गुरु जी का भी आशीर्वाद तुरंत प्राप्त होगा, तो आप जरूर लिखिएगा। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं और जानते हैं कैसा रहेगा आज आपका राशिफल। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए किसी नई संपत्ति प्राप्ति के लिए रहेगा। आपको कुछ विपक्षी लोगों से सावधान रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो वो लोग आपको परेशान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आपको सावधान और सतर्क रहना होगा और हर किसी पर भरोसा करने से खास तौर से आज आपको बचना होगा। आपके बनते कामों में रोड़ा अटकाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों, आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अपने लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं, तो ऐसे में एक दूसरे को आपकी यह कामयाबी, आपकी यह सफलता बर्दाश्त नहीं होगी, और ऐसे में लोग आपको परेशान करने की भरसक प्रयास कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेतृत्व क्षमता भी आज आपकी बढ़ेगी और व्यापार कर रहे लोग तेजी दिखाएंगे। आप किसी जोखिम भरे काम को करने से बचें। संतान पक्ष की ओर से आज आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जी हाँ, खुशखबरी ऐसी होगी जिससे पूरा घर परिवार खुशी से झूम उठेगा। जी हाँ दोस्तों, माता जी से आप अपने मन की किसी बात को बता सकती हैं और उनका समाधान आपको जरूर मिलेगा। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए धन संपत्ति मामलों में अच्छा रहने वाला है। जी हाँ, आपकी पुरानी योजनाओं से आज आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा और सेवा क्षेत्र से जुड़कर आप अच्छा नाम कमाएंगे। आप आध्यात्मिक और जो है आत्मविश्वास और आस्था बनाए रखें। कार्य क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे देखकर आपके साथी भी हैरान रहेंगे। जिम्मेदारी के काम करना
आपके लिए रहेगा, बेहतर होगा, आपको कुछ महत्वपूर्ण चर्चाओं में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगी, आज का दिन आपके लिए उत्तम संपत्ति से और उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। परिवार में यदि बहन या भाई के विवाह में कोई बाधा, कोई मुसीबत आ रही थी, तो वह भी आज के दिन दूर होंगी, क्योंकि दोस्तों माँ लक्ष्मी जी अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर जो है बना रहे हैं। आपको अपने परिजनों से किसी बात को लेकर साझा करने का मौका मिलेगा। नौकरी में कार्यरत लोग तरक्की मिलने से काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे, लेकिन छुपी हुई विरोधियों से सावधान रहने का प्रयास करें। आपको किसी बात को लेकर जिद व अहंकार नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो आपको इससे नाराजगी हो सकती है। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलता हुआ दिखाई दे रही है। उनके सपोर्ट से, उनके सहयोग से आप अपने कामों में सफलता हासिल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए सांसारिक सुख भोग के साधनों में वृद्धि लेकर आएगा। आपका लाभ बढ़ने से आपका मन प्रसन्न रहेंगे और आप जो है सपनों के साथ कुछ सुख भरे पल व्यतीत करेंगे। और आपको किसी काम को लेकर वरिष्ठ सदस्यों से सलाह मशवरा करें और उनकी दी हुई सलाह को मानने का प्रयास करें, ये आपके लिए उचित होंगी। आप अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें, तभी आप लोगों से अपने काम निकलवा पाएंगे। अति आत्मविश्वास और अति उत्साहित होकर कोई काम ना करें, नहीं तो उसमें आपको कोई गलती हो सकती है। इसलिए दोस्तों आज आप थोड़ा सा सावधान रहने का प्रयास करें, ये आपके लिए बेहतर होंगी। आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है। आपका आलस्य आपके लिए समस्या बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज आपको आलस्य करने से बचना होगा। आपको छोटी दूरी यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन यात्रा के दौरान आज आपको सावधान और सतर्क भी रहना होगा। जी हाँ, आप परिजनों को बिना मांगे किसी को भी सलाह ना दें। जी हाँ, नहीं तो लोग गलत समझ सकता है और आपको बेवजह कुछ भली बुरी बातें सुनने को मिल सकती है। आपकी किसी गलती से आज पर्दा उठ सकता है, जिससे जीवन साथी आपसे नाराज हो सकता है। इसलिए दोस्तों आज आप अगर चार जनों के बीच जा रहे हैं, तो बोलने में आज सावधानी रखें, सोच समझकर ही बोलें और जितना हो सके चुप रहने का प्रयास करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थियों को आज कठिन परिश्रम करना होगा, तभी वह परीक्षा में सफलता हासिल करने में कामयाब रहेंगे। आपका कोई पुराना लेन देन आपके लिए समस्या खड़ी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप धन का किसी पिछले समय में लिए हैं, किसी को दिए हैं, तो आप उनका निपटारा कर लें, ये ही आपके लिए बेहतर होंगे। आज का दिन आपके जीवन स्तर में सुधार लेकर आएगा। आप अपने खुशी भरे पलों का आनंद लेंगे और जीवन साथी के प्रेम में डूबे नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी नए काम को करने का मौका भी मिल सकता है। आपकी कुछ योजनाएं आज फलीभूत होंगी। आपकी लोकप्रियता बढ़ने से आपका मन प्रसन्न रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके घर किसी अतिथि का आगमन होने से परिवार के सदस्य काफी व्यस्त नजर आएंगे। जी हाँ, बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत लोग आज बचत की योजना पर पूरा पूरा ध्यान देंगे, जिससे आगे चलकर उन्हें लाभ होगा। वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए लाभ दिलाने वाला रहेगा। हर तरफ से आज आपको लाभ होगा, नौकरी में लाभ होगा, कैरियर बिजनेस में लाभ होगा। अगर आप घर में रहकर कोई उद्योग, कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आज आपको लाभ ही लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी कुछ दीर्घकालीन योजनाएं आगे बढ़ेंगी। व्यापार में आप स्पष्टता बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर आप लापरवाही ना बरतें, नहीं तो आपको कोई शारीरिक कष्ट परेशान कर सकता है। जी हाँ, जिन लोगों को पहले से कोई कष्ट, कोई परेशानी थी, उनकी परेशानी आज थोड़ी सी बढ़ने वाली है। और मामा पक्ष से आज आपको धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, मामा पक्ष की ओर से, माता पिता की ओर से किसी बात को लेकर झड़प हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें
कि वाद विवाद और लड़ाई झगड़े से दूर रहने का प्रयास करें। आप एक से अधिक स्रोतों से आय पाकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनों के साथ खुश रहें और खुशियां बांटें। धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो।